ग्वालियर राज घराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 70 वर्ष की थी। माधवी राजे लंबे समय से बीमार चल रही थी। 15 फरवरी को उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था और तब से ही उनकी तबीयत खराब चल रही थी। दिल्ली के एम्स से जुड़े सूत्रों ने कहा कि माधवी राजे ने सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। पिछले कुछ दिन से वह वेंटिलेटर पर थी और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्हें 15 फरवरी को एम्स में भर्ती किया गया था। उन्हें सेप्सिस के साथ निमोनिया भी हो गया था। भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। उनका नेपाल के राजघराने से संबंध था। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री थे। साल 1967 में उनका माधव राव सिंधिया के साथ शादी किया गया था।